हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। उसमें हमारा जो मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। तो देखिए इलेक्ट्रिक मोटर कैसे कार्य करती है। देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पर कार्य करती है। तो एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर एक इस प्रकार का डिवाइस है विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल ऊर्जा में बदलने का काम करती है। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपेंसेस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स। यानी कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रखेंगे तो उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की जो डायरेक्शन है हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के रूल्स के अकॉर्डिंग जान सकते हैं। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल्स क्या कहता है, यानी कि अपने जो लेफ्ट हैंड है उसकी फोर फिंगर और जो थंब है और मिडिल जो फिंगर्स है, अगर तीनों को स्ट्रेच कर लिया जाए एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, या फोर फिंगर किसको बताती है, मैग्नेटिक फील्ड को, और जो सामने वाली जो ये है मिडिल फिंगर ये बताती है डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो थंब है ये किसको बताता है, फोर्स को। तो देखिए FMC फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट, करंट की डायरेक्शन। तो ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल्स कहता है। नेक्स्ट देखिए फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल्स जस्ट मैंने अभी बताया, अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स इफ वी स्ट्रेच द थंब फोर फिंगर्स एंड मिडिल फिंगर ऑफ आवर लेफ्ट हैंड, यानी कि हमारे जो लेफ्ट हैंड की थंब फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम स्ट्रेच करें, सच दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो इस तरीके से, इफ द फर्स्ट फिंगर्स, यानी कि जो फोर फिंगर है फर्स्ट फिंगर्स पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये किसको बताती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, एंड द मिडिल फिंगर, जो मिडिल फिंगर है ये वाली ये किसको बताती है, डायरेक्शन ऑफ करंट को, ये डायरेक्शन ऑफ करंट को बताती है, जो थंब है किसको बताएगा, देखिए देन द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी कि ये किसको बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताता है ये, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, यानी कंडक्टर की जो दिशा है फोर्स की दिशा है वो कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा ये उसको बताता है थंब। नेक्स्ट देखिए ये जो हमने अपने हाथ को इस तरह से ये किया है तो ये थंब जो है, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरह से है नॉर्थ साउथ ये मैग्नेटिक फील्ड, तो और जो करंट है वो अगर सामने वाली दिशा में है आपकी तरफ तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की दिशा में, यानी कि नॉर्थ साइड फोर्स लगता है, ये कौन बताता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर, यानी कि मोटर की बनावट, मोटर किन किन से मिलकर बनी होती है, तो देखिए मोटर्स में मूलतः पांच चीजें होती है, फील्ड मैग्नेट यानी कि दो मैग्नेट होती है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग हॉर्स शोई टाइप मैग्नेट विद कॉनकेव पोल्स, यानी कि इस प्रकार के जो कॉनकेव पोल्स होते हैं, दो मैग्नेट लेते हैं अपन, एक नॉर्थ और दूसरा होता है साउथ, ये मैग्नेट लेते हैं अपन इसमें। अगला आता है आर्मेचर, आर्मेचर को अपन कुंडली भी कहते हैं, तो इट इज ए रेक्टेंगुलर कॉइल्स, यानी कि ये एक आयताकार कुंडली है, ABCD इसके ऊपर नाम दिए गए हैं, हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिन इंसुलेटेड वायर वाउंड ओवर ए सॉफ्ट आयरन, यानी कि सॉफ्ट आयरन के ऊपर जो थिन इंसुलेटेड जो है उसके ऊपर वायर लपेटे हुए रहते हैं आयरन कोर के ऊपर। द आर्मेचर इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल ऑफ फील्ड मैग्नेट, यानी कि जो फील्ड मैग्नेट के हैं इसके बीच में किसको रखा जाता है, आर्मेचर को, जो ए बी और सी और डी, यानी कि यहाँ आर्मेचर को रखा जाता है। इट रोटेट्स विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट, इससे कौन जुड़ा रहता है, शाफ्ट, एक्सल जुड़ी रहती है, तो एक्सल रोटेट करती है तो ये जो आर्मेचर है ये भी रोटेट करेगी। नहीं देखिए स्प्लिट रिंग, तो स्प्लिट रिंग इस प्रकार की एक स्प्लिट रिंग होती है जो कि बीच में से ब्रेक डाउन होती है इस तरह से स्प्लिट रिंग, देखिए इससे जो B1 B2 ब्रश जुड़े रहते हैं, ब्रश B1 C1 के साथ, यानी कि स्प्लिट रिंग C1 के साथ और ब्रश B2
जो C2 के साथ अटैच होते हैं। तो देखिए स्प्लिट रिंग के बारे में, इट इज कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल मेटल, ये एक सिलेंड्रिकल गोलाकार मेटल्स बनी होती है रिंग टाइप की, स्प्लिट इनटू टू हैल्स C1 एंड C2, इसके दो भाग होते हैं C1 और C2। द कम्यूटेटर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड एंश्योर द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि फ्लो ऑफ करंट को एंश्योर करता है और करंट की डायरेक्शन को बदलने में ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। यूनि डायरेक्शन यानी करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, स्प्लिट रिंग। नेक्स्ट देखिए ब्रशेज, जो ब्रशेज क्या होते हैं, ये इस तरह से इसके ऊपर लगे रहते हैं, किसके ऊपर, स्प्लिट रिंग के ऊपर इस तरह के ब्रशेज लगे रहते हैं, ये इससे ब्रश होते रहते हैं यानी कि टकराते रहते हैं, स्लिड करते रहते हैं, फिसलते रहते हैं। टू ग्रेफाइट रोड्स यानी कि ग्रेफाइट के बने होते हैं ये, मेंटेन अ स्लिडिंग यानी कि स्लिड करते रहते हैं इसके ऊपर कॉन्टेक्ट विद द कम्यूटेटर C1 एंड C2, यानी कि कम्यूटेटर C1, ये C1 के साथ, ये C1 है, C1 के साथ कौन जुड़ा हुआ, बुश B1, और C2 के साथ कौन जुड़ा हुआ, बुश B2। अब आती है बैटरी, तो बैटरी क्या है, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है क्या करती है, वो इलेक्ट्रिक करंट को मैकेनिकल उसके अंदर बदलती है, मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। तो हमें इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट किसकी सहायता से देते हैं, अपन बैटरी की सहायता से देते हैं। देखिए ए बैटरी ऑफ ए फ्यू सेल्स इज कनेक्टेड टू द ब्रशेज, यानी कि ब्रशेज से कौन जुड़ी हुई है, बैटरी। द करंट फ्रॉम द बैटरी फ्लो टू द आर्मेचर कॉइल्स थ्रू द ब्रशेज, यानी कि आर्मेचर जो कॉइल्स तक करंट जाता है वो बैटरी की सहायता से किससे होते हुए जाएगा, ब्रशेज से होता हुआ जाएगा। नेक्स्ट मोटर कैसे कार्य करती है, तो मोटर के जो पांच चीजें क्या क्या है, बैटरी, इसके बाद इसका आर्मेचर, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के बाद ब्रश B1 B2 और C1 और C2, ये आपके C1 और ये C2 है और इसके साथ ब्रश जुड़े हुए B1 B2। देखिए इसमें सबसे पहले करंट फ्लो होता है, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर का काम कौन कर रहा है, इसमें आर्मेचर, और ये आर्मेचर किस में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब आर्मेचर रखते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो क्या होता है, देखिए करंट की डायरेक्शन जो है ये आपके करंट की डायरेक्शन इसको बताती है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो AB जो कुंडली है उसमें क्या हो रहा है, यानी कि अंदर की ओर फोर्स लग रहा है, इनसाइड द बोर्ड। और जो CD है इसमें जो करंट की डायरेक्शन नीचे की ओर, इसमें किधर लगेगा, बाहर की ओर। तो यानी कि फर्स्ट हाफ में जो है करंट की जो इसकी डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन, इसमें अंदर की ओर, इसमें बाहर की ओर। लेकिन अब देखिए, अब जो आ गया CD किधर आ गया, CD आ गया ऊपर की ओर और AB चला गया अंदर की ओर। देखिए अब CD, ये जो D है ये इधर आ गया और AB इधर आ गया। तो अब देखिए उसी समय क्या होता है, ये जो स्प्लिटिंग रिंग जो है, ये स्प्लिटिंग रिंग भी अटैच होती है किसके साथ, एक्सल के साथ, तो ये भी घूम जाती है। तो यानी कि जो C2 जो है वो किधर आएगा, इधर, और C1 किधर चले जाएगा, उधर। ब्रश नहीं घूमते हैं, कौन घूमते हैं, C1 और कम्यूटेटर घूमते हैं। कम्यूटेटर का मुख्य काम क्या है, धारा की दिशा को बदलना, चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी कि अब जो C2 है वो किधर आ जाता है, इधर, और C1 किधर चले जाता है, उधर। अब जो C2 है वो क्या करेगा, जैसे वो इधर आएगा तो जो करंट की डायरेक्शन है, यानी कि जो D से C की ओर जो करंट की डायरेक्शन है वो भी किधर रहेगी, अपवार्ड डायरेक्शन में, यानी कि इधर से यूं और इधर इसमें भी यूं। तो आप देखिए यानी कि D से C की ओर, यानी कि ये इधर आने के बाद भी करंट की डायरेक्शन इसमें किधर रही, ऊपर की ओर। तो इसमें भी जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा, अंदर की ओर लगेगा, जैसा कि AB के ऊपर लग रहा था, क्योंकि जो डायरेक्शन है करंट की किधर है, ऊपर की ओर है, और जो AB है इधर वाले, इसमें भी फोर्स किधर लगेगा, बाहर की ओर। तो इस प्रकार जो है ये है, इस पे जो फोर्स है अंदर की ओर, तो ये इस प्रकार से बार बार रोटेशन करती रहेगी, कौन, आर्मेचर, और आर्मेचर किससे अटैच है, एक्सल से। तो जैसे आर्मेचर रोटेट करेगा यूनि डायरेक्शन में, तो वैसे ही एक्सल भी यूनि डायरेक्शनल रोटेट करती रहेगी। अब देखिए इसको हम देख लेते हैं, वर्किंग ऑफ मोटर, मोटर कैसे कार्य करती है। व्हेन द करंट इज पासेस थ्रू कॉइल ABCD, जब कॉइल ABCD में करंट पासेस करें, अ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेट अराउंड द आर्मेचर, आर्मेचर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ क्योंकि हमने मैग्नेट भी रख रखा है। द करंट इन द फर्स्ट हाफ इन आर्मेचर फ्लो अलोंग द पथ ABCD, फोर्स एक्टिंग ऑन AB, यानी कि AB अगर पुश अपवार्ड होगा तो CD किधर होगा, डाउनवार्ड, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, एक दूसरे के अपोजिट है।
वर्ड ऑफ हाफ रोटेशन द करंट इन द कॉइल गेट रिवर्स, जो करंट में क्या होगा, जो करंट है रिवर्स हो जाएगा, ऑफ करंट आल्सो रिवर्स्ड, तो करंट भी रिवर्स हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बट एट द सेम टाइम, लेकिन इसी समय, आपको अभी जस्ट ही बताया जो स्प्लिटिंग रिंग जो है, यानी कि जो स्प्लिटिंग रिंग है, ये इधर वाली जो है ये किधर आ जाती, इधर आ जाती है। तो देखिए, द स्प्लिटिंग रिंग चेंज द पोजिशन टाइम, द स्प्लिटिंग रिंग कम्यूटेटर आल्सो चेंज देयर पोजिशन, यानी कि वो भी अपनी पोजिशन चेंज कर लेती है। एंड C2 कनेक्टेड किससे हो जाता है, AB से। C2 किससे कनेक्ट हो जाएगा, AB से। और C1 किससे कनेक्ट हो जाएगा, CD से, यानी कि C1 इधर आ गया, और तो यानी कि CD आर्म से कनेक्ट हो जाएगा। थस इट मेक्स कंटिन्यू रोटेशन, यानी कि ये कंटिन्यू रोटेशन चलता रहेगा, कंटिन्यू रोटेशन इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि सेम डायरेक्शन में वो रोटेट करता रहेगा, ऑफ द कोइल भी और टू द एक्सल, इस प्रकार एक्सल भी सेम डायरेक्शनल में रोटेट करती रहेगी। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।